हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक आर से ऑनलाइन क्लास क्लास 9 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। वी आर कंटिन्यू डिस्कस चैप्टर 3। टुडे वी आर डिस्कस एक्सरसाइज 3.2। अब देखिए एक्सरसाइज 3.2 के अकॉर्डिंग कुछ हमारे पास क्वेश्चंस ऐसे होंगे, जैसे हमारे पास ग्राफ गिवन होगा, ग्राफ हमारे पास गिवन होगा 1, 2, 3, 4, 5। ये ओरिजिन -1, -2, -3, -4 एंड सो। आपको पता है ग्राफ आपके पास गिवन है तो ये कौन सा एक्सिस होता है, एक्स। ये एक्स डैश नेगेटिव एक्स पार्ट। ऐसे आपके पास यहाँ 1, 2, 3, 4, 5 ये वाई एक्सिस एंड ये वाई एक्सिस, -1, -2, -3, -4, -5। अब देखिए कुछ पॉइंट आपके पास गिवन होंगे, उसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करवाने हैं। एक्सरसाइज 3.2 में ऐसे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं जो आप उसको इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे आपको ये पॉइंट दे, पॉइंट के और यहाँ पर आपको पॉइंट दे दे बी और यहाँ पर आपको पॉइंट दे दे सी। अब 3 पॉइंट्स हमारे पास गिवन है ए बी सी। अब हमें इनके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं गिवन पॉइंट्स। तो सीधा सा मेथड होता है गिवन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए उस पॉइंट से हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन हमें ड्रॉ करना। जस्ट आपने एक हॉरिजॉन्टल लाइन दोनों एक्सिस पर, एक्स पर और वाई पर, तो ये एक्स एक्सिस पर आपने जैसे ही आपने लाइन ड्रॉ करी तो ये हमारे पास आ गई जी। और जैसे ही वाई एक्सिस पर आपने लाइन ड्रॉ करेंगे तो जस्ट मतलब कहने का मतलब है उस गिवन पॉइंट से दोनों एक्सिस पर परपेंडिकुलर आप लाइन ड्रॉ कर रहे हैं परपेंडिकुलर। तो हमारे पास देखिए ये किस कौन से पॉइंट पर, एक्स पर लाइन के 2 पर और ये वाई के 3 पर। तो आपको पता है कोऑर्डिनेट्स राइट करने से पहले एक्स को पहले राइट करते हैं वाई को बाद में। तो ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट आएंगे हमारे पास 2, 3। एक्स को पहले राइट करोगे एंड वाई को बाद में, दोनों पॉजिटिव है, एक्स पॉजिटिव है वाई पॉजिटिव। जैसे कि इससे पहले वाले हमने लेक्चर में डिस्कस किया था क्वाड्रेंट, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट को आपको समझाया था, उसी के अकॉर्डिंग हमें अटेंड। अब देखिए बी पॉइंट पे भी आपको ऐसे करना है, एक्स और वाई एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेना है। वाई एक्सिस पर आपने परपेंडिकुलर बाई स्केल की हेल्प से, कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी आपको सीरियसली, स्केल की परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो यस। अब देखिए एक्स एक्सिस पर एंड वाई एक्सिस पर आपने 3 पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ किए तो ये -4 और वाई का 5। तो एक्स कोऑर्डिनेट को पहले राइट करते हैं, इट मींस -4, 5। तो बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, -4, 5। अब देखिए सी पॉइंट पर बिल्कुल सेम रिपीट करना है, ऐसे एक्स एंड वाई एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देना। वाई एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, एक्स एक्सिस पर आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ए कौन सा पॉइंट पर, एक्स एक्सिस का कौन सा पर, -2, y एक्सिस का -5। तो इसके कोऑर्डिनेट कौन से हो गए, -2, -5। तो ऐसे ही आपके पास डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस गिवन है एक्सरसाइज 3.2 में, जिसमें आपको कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। तो आपको सीधा सीधा लॉजिक क्या करना है, उस गिवन पॉइंट से दोनों एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, एक्स को पहले राइट करते हैं और वाई को बाद में, तो आप इजीली उन क्वेश्चनों को अटेंड कर सकते हैं।